श्रीमद्भागवत, जो कि सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई थी जब उनके जीवन के 7 दिन बचे थे, और तभी से भागवत का श्रवण मुक्ति के लिए होने लग गया, क्योंकि राजा परीक्षित को पता लग गया था कि हमारे जीवन के 7 दिन ही बचे हैं और जो भी करना है हम लोग जल्दी कर लें। वो सबको छोड़ करके गंगा किनारे चले गए, सुखदेव जी उनको प्राप्त हुए और 7 दिन में भागवत कथा का श्रवण करके भगवान कृष्ण की अनुभूति हुई, प्राप्ति हुई। ये शरीर तो एक न एक दिन सबका जाना है, परीक्षित का भी गया, उनका तो युवावस्था में गया था। राजा परीक्षित युवा थे जब उनका शरीर गया, और राजा कितने बड़े थे, सारे देश के राजा थे, एक ही राजा थे उस समय। युवावस्था में उनका शरीर गया, लेकिन शरीर जाने के पहले सुखदेव जी ने पूछा था, राजन तुमको मौत का भय है? बोले नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा, ये जन्म भी शरीर का होता है और विसर्जन भी शरीर का होता है, मेरा स्वरूप तो नित्य अमर है, अजर है, भगवान का स्वरूप है, ना मेरा जन्म हुआ है और ना मेरी मौत होगी। ये राजा परीक्षित ने मृत्यु स्वीकार करने के पहले अनुभव किया, और फिर वो समाधिस्थ होकर के बैठ गए। इसलिए श्रीमद् भागवत को परमहंसों की संहिता बोलते हैं, मोक्ष की कथा बोलते हैं, और इसको बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।